एम आई टी इन्वेंटर और चैट जी पी यूज करते हुए ये जेनरेटिव ए आई की ऐप बनाना सीखते हैं इस ऐप में हम एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देंगे और ए आई बेस्ड इमेज जो है वो जनरेट हो जाएगी जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया है ब्लू डॉग्स विद विंग्स फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ माउंटेंस और हमारे को ये जनरेटिव ए आई बेस्ड इमेज मिल गई है हम एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ स्टारी नाइट स्काई विद फ्लाइंग सॉसर्स और चैट जीपीटी यूज़ करते हुए हमारी ये जनरेटिव एआई बेस्ड इमेज जो है तैयार हो गई है तो ये ऐप हम बनाना सीखते हैं इसको हम एम ऐप एप इन्वेंटर में बनाएंगे और इसके लिए बहुत सिंपल सा हमारे को एक कोड लिखना है हम ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं सबसे पहले हम एम आई टी इन्वेंटर की वेबसाइट ऐप इन्वेंटर डॉट एम आई टी डॉट ई डी में जाके क्रिएट ऐप्स कह रहे हैं और हम यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो प्रोजेक्ट्स में जाके मैं कह रहा हूँ स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम दे रहा हूँ इमेज जनरेशन आप कोई भी नाम दे सकते हो नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए तो हमारा ये एक नया प्रोजेक्ट खुल गया है यहाँ पर हमारे को यूज़र इंटरफेस में मेनली एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जहाँ यूज़र जो इमेज का टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो लिखेगा उसके बाद हमारे को एक बटन चाहिए जिसको जब यूज़र दबाएगा तो हमारी ऐप चैट जी के ए को कॉल करेगी और उससे इमेज जनरेट करेगी और फाइनली हमारे को डिस्प्ले में एक और कॉम्पोनेंट चाहिए जहाँ पर जो इमेज जनरेट होगी वो डिस्प्ले होगी तो सबसे पहले हमारे को इनपुट का Uh, जो चाहिए उसके लिए मैं यूज़र इंटरफेस में जाके यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है और मैं यहाँ पर इस इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसकी हाइट जो है वो लेट्स से uh, 200 हंड्रेड पिक्सल्स है और इसकी जो वर्थ है वो फिल पेरेंट है और हम हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ कह सकते हैं इनपुट टैक्स फॉर इमेज उसके बाद हमारे को एक बटन चाहिए तो मैं यूज़र इंटरफेस से एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ फॉर बटन वन में जाके मैं कह रहा हूँ जनरेट इमेज और हम इस बटन को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं यह हमारा बटन हो गया एंड फाइनली हमारे को एक कॉम्पोनेंट और चाहिए जहाँ पर कि जो इमेज जो जनरेट होगी वो डिस्प्ले होगी तो इसके लिए मैं आ, अगेन यूज़र इंटरफेस से ये इमेज यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ और इसकी हाइट भी मैं कह रहा हूँ फिल फिलपेरेंट और इसकी वर्थ भी मैं कह रहा हूँ फिलपेरेंट और इसके बाद हमारे को एक कंपोनेंट और ऐड करना है जो यहाँ एक्सपेरिमेंटल ड्रॉर में है यहाँ पर ये चैट बॉट और इमेज बॉट जो हैं ये चैट जीपीटी एपीआई को कॉल करते हैं तो मैं यहाँ से इमेज बॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ये नोटिफिकेशन है कि ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है तो मैं कह रहा हूँ ओके okay. तो ये जब हमारा चैट जीपीटी का इमेज पॉट हमारे को यहाँ मिलता है तो हमारे को इसकी यहाँ पर ए की डालनी है ए की डालने के लिए आपको ओपन ए में जाके लॉग करना पड़ेगा और ये एक फ्री रजिस्ट्रेशन है अगर आप ऑलरेडी चैट जीपीटी यूज़ नहीं करते हो तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ यहाँ मुझे ऑप्शन मिल रही है कि यूज़ चैट जीपीटी और यूज़ दी एपीआई तो मैं कह रहा हूँ यूज़ दी एपीआई और यहाँ पर मैं फिर ये टॉप लेफ़्ट में चैट जीपीटी के लोगों को क्लिक करके यहाँ से ए की सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ जाके मैं कह रहा हूँ क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की आप इसको कुछ भी टाइटल दे सकते हो मैं कह रहा हूँ इमेज जनरेटर और क्रिएट सीक्रेट की तो अब ये जो की जनरेट हुई है ये आपको कॉपी करनी है और बेटर है कि आप इस ए की को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में कहीं पर सेव कर लो मैं सीधे ऐप इन्वेंट में जाके यहाँ पर ये ए की पेस्ट कर रहा हूँ तो अब ये हमारा कॉम्प्रेंट जो है ये तैयार हो गया है यहाँ पे जो इमेज साइज होगा वो बाई डिफॉल्ट 256 है मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ और एडवांस में यहाँ जो टोकन है ये भी डिफॉल्ट में जनरेट हुआ है मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ इसके बाद मैं ब्लॉक्स में जाके हम इसकी कोडिंग करते हैं तो हम कह रहे हैं कि जब यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा वन बटन वन इज़ क्लिक इमेज बॉट में जाके हम कह रहे हैं कॉल दिस फंक्शन टू क्रिएट अ इमेज और क्या इमेज का डिस्क्रिप्शन क्या वो जो यूजर ने टेक्स बॉक्स में डाला है तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाके कह रहा हूं कि गेट द यहाँ पे ये गेटर्स और सेटर्स हैं तो मैं गेट में जाके कह रहा हूँ गेट द टेक्स बॉक्स एंड द टेक्सट इनसाइड तो इस कमांड को एक बार समझ लेते हैं हम कह रहे हैं कि हमारा फ्लो क्या होगा कि यूजर uh, जो है वो इस बॉक्स में जो भी इमेज जनरेट करना चाहता है उसकी उसका टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ डालेगा और वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो सेव हो जाएगा और फिर हम यहाँ कह रहे हैं कि जब यूज़र टेक्स्ट इनपुट करने के बाद जनरेट इमेज का बटन दबाएगा तब इमेज बॉट जो है वो कॉल होगा और वहाँ पे वो इमेज क्या क्रिएट करेगा जो भी यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया है तो इसलिए मैंने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट किया है फिर हम नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इमेज बॉट में जाके कि वंस द इमेज हैज बीन क्रिएटेड तो हम क्या चाहते हैं कि उस इमेज का क्या हो तो हम चाहते हैं कि वो इमेज बेसिकली यहां पर जो हमने आ, ये ये जो इमेज का ब्लॉक डाला है इस ब्लॉक में वो इमेज डिस्प्ले हो जाए तो मैं यहां इमेज में जाके कह रहा हूं सेट इमेज वन नॉट ऑल्टरनेट टेक्स्ट बट द पिक्चर टू और यहां फाइल नेम्स में जाके मैं कह रहा हूँ गेट द फाइल नेम सो दैट दैट इज़ द प्रोग्राम यहाँ पर जब वो यूज़र पहले अपना टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इनपुट कर रहा है जब वो बट जनरेट का बटन दबा रहा है तो इमेज क्रिएट हो रही है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और जब इमेज जो है वो क्रिएट हो जा रही है तब हम कह रहे हैं कि इमेज वाले बॉक्स में सेट द इमेज पिक्चर टू गेट वट एवर हैज़ बीन क्रिएटेड और अब आप ऐप इन्वेंटर की जो मैं जो आप ऐप बनाओगे वो एंड्रॉयड डिसेज़ में भी यूज़ कर सकते हो और आई ओ में भी यूज़ कर सकते हो दोनों में आपको ऐप इन्वेंटर की ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी तो मैं पहले आई में इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं आई में ए आई कंपेनियन लॉन्च कर रहा हूँ और यहाँ मैं स्कैन क्यू आर कोड कह के ये कोड स्कैन कर रहा हूँ तो अब ये जो ऐप है ये मेरे आईफोन में डिस्प्ले हो जाएगी तो यहां पर यह कह रहा है इनपुट टेक्स्ट फॉर इमेज तो यहां जाके हम कुछ भी टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं तो मैंने यहां पे प्रॉम्प्ट दिया है राइस फील्ड्स फुल ऑफ प्लांट्स सन इज शाइनिंग एंड बर्ड्स आर फ्लाइंग और ये जो है मेरी इमेज जनरेट हो गई है सो so जो बेसिक ऐप है वो इतनी सिंपल है इसके आगे फिर अगर आप अपने इस यूजर इंटरफेस को इंप्रूव करना चाहते हो तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ स्क्रीन वन में जाके यहाँ जाके आप टाइटल बदल सकते हो और आप टाइटल दे सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ए आई इमेज जेनरेटर और इसके नेक्स्ट जब हम जनरेट इमेज का बटन दबा रहे हैं तो यूज़र को कोई प्रॉम्प्ट नहीं मिल रहा है कि क्या इमेज जनरेट हो रही है कि नहीं तो यूज़र को कोई प्रॉम्प्ट दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस में जाके यहाँ पर एक नोटिफायर कॉल कर रहे हैं और नोटिफायर को फिर हम प्रोग्राम कर सकते हैं तो हम कह रहे हैं नोटिफायर में जाके हम यहाँ कह रहे हैं कॉल नोटिफायर कि जब वो इमेज जब वो यूजर बटन प्रेस करेगा तो कॉल नोटिफायर एंड शो अ प्रोग्रेस डायल प्रो, शो द प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स जो कि एक स्पिनिंग व्हील टाइप का डायलॉग बॉक्स होगा और फिर हम इसका कुछ यहाँ कुछ मैसेज डाल सकते हैं तो मैं टेक्स्ट में जाके एम टी स्ट्रिंग ला रहा हूँ और यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जेनरेटिंग इमेज और जब इमेज क्रिएट हो जाएगी तो हम चाहते हैं कि वो नोटिफायर हट जाए तो मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ कि फर्स्ट यू डिसमिस द प्रोग्रेस डायलॉग और फिर अब मैं वापस डिज़ाइनर में जा के सेम ऐप को हम एंड्रॉयड पर भी कर सकते हैं तो मैं ये एंड्रॉयड का इंटरफेस है तो हम इसको एंड्रॉयड में टेस्ट कर सकते हैं मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ये एम आई टी की ए आई कंपेनियर ऐप लॉन्च कर रहा हूँ और फिर मैं ऐप इन्वेंटर में यहाँ पे कह रहा हूँ कनेक्ट और मैं ये क्यू आर कोड स्कैन कर रहा हूँ तो अब ये ऐप जो है मेरे एंड्रॉयड फ़ोन पर चलना शुरू कर देगी और यहाँ पे हम कुछ कह सकते हैं जैसे मैं कह रहा हूँ पिंक पिग्स फ्लाइंग और मैं जब जनरेट इमेज कर रहा हूँ तो अब हमारे को यहाँ पर ये नोटिफायर मिल रहा है जो कि यूज़र को बता रहा है कि इमेज जनरेट हो रही है एंड टू बी पेशेंट तो ये जो है ये इमेज यहाँ पर जनरेट हो गई है और इस इंटरफेस को आप ऑफकोर्स और इम्प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने एक प्रॉपर ऐप बनाई है जिसकी मैंने ऐप इन्वेंटर में ए पी के फाइल बना के उसको यहाँ पे लोड किया है तो ये टेक्सट इमेज जनरेटर है यहाँ पर हम पहले स्पीच टू टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो जब मैं कहता हूं डिस्क्राइब इमेज मार्शियन लैंडस्केप मार्स रोवर टेकिंग फोटोज तो ये मेरा प्रॉम्प्ट यहां पर आ गया है और मैं इसको आप कह रहा हूं क्रिएट इमेज तो यहाँ पर अब हमारा ये नोटिफायर है जो यूजर को बता रहा है प्लीज वेट इमेज इज बिंग जनरेटेड और हमारी यहाँ पर यह इमेज जो है ये क्रिएट हो गई है और इसमें एक फ़र्दर फंक्शनैलिटी है टू शेयर तो शेयर से आप इस इमेज को सेव कर सकते हो या फिर उसको शेयर कर सकते हो और यहाँ रीसेट के बटन से ये स्क्रीन जो है ये क्लियर हो जाता है सो आई होप जो ये ऐप इन्वेंटर में नए फीचर्स हैं एक्सपेरिमेंटल चैट बॉट और इमेज बॉट जो चैट जीपीटी बेस्ड है आप इनको यूज़ करते हुए जेनरेटिव एआई बेस्ड एप्स बनाना ट्राई करोगे <laughs>